So now we have studied about the difference, or we can say comparison, between the mass and charge. Both are the fundamental properties of a matter, और हमने उसे discuss कर लिया है. आखिर में हमने कहा था कि charge is quantized but mass is not quantized. मतलब ऐसी कोई value नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका integral multiple हो mass. लेकिन charge क्या है? Charge हमेशा create होता है electrons के transfer से. तो इलेक्ट्रॉन से छोटा सा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सके. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना चार्ज ट्रांसफर होगा. सो वी हैव सेड दैट क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, जहां पे n था नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड e इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड q इज द टोटल चार्ज. तो लेट अस डिफाइन वन कूलम ऑफ चार्ज. नाउ वन कूलम्ब ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज, इस चीज को हम समझते हैं. देखिए, हमने कहा कि चार्ज तब क्रिएट होगा जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा या कोई और चार्ज पार्टिकल का, जैसे कि आयन का ट्रांसफर होगा, उसे हम डिस्कस करते हैं. बट फॉर टाइम बीइंग हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में चार्ज आएगा. सो लेट अस से अगर मैं ऐसा कहता हूं कि एक ग्लास रॉड से इस सिल्क में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, लेट से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के बाद दिस सिल्क अटेन्स अ माइनस वन कूलम्स ऑफ चार्ज एंड दिस ग्लास रॉड अटेन्स अ प्लस वन कूलम्स ऑफ चार्ज. तो हमारा टास्क ये है कि हमें यह पता करना है कि वन कूलम और माइनस वन कूलम चार्ज बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता लगेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो क्यू इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ई हमें पता है. हमने कहा कि क्यू कितना है, वन कूलम. सो वन कूलम इज इक्वल्स टू एन इंटू ई इज व्हाट, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19. एंड ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर रेशियो यू विल गेट 6.25 इनटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. So what is one coulomb of charge? So one coulomb of charge is defined as 6 point, is defined as transfer of 6.25 into 10 to the power 18 electrons. So it is a huge number. It is very huge number. That is 6.25 into 10 to the power 18. तो 6.25 के आगे आप 18 जीरो लगा दें, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ग्लास से सिल्क में ट्रांसफर होंगे तब हम कहेंगे कि वन कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो गया. और अगर मैं इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे हाथ में ऐसा मुट्ठी में ले लूं, दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो आई विल से कि मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में वन कूलम ऑफ चार्ज है. ओके, सो वन कूलम ऑफ चार्ज इस तरह से डिफाइन होगा, क्योंकि दिस इज 6.25 इनटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड. हम ऐसा नहीं कह रहे कि वन कूलम का चार्ज इतना है तो हाफ कूलम का चार्ज हो ही नहीं सकता. देखिए, हाफ कूलम का चार्ज बिल्कुल हो सकता है. हाफ कूलम के चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हाफ हो जाएगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन एन इंटीग्रल नंबर.
यह नंबर हमेशा एक इंटीजर ही होगा, यह नंबर कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ही ट्रांसफर होंगे, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। हेंस 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 6.25 × 10⁻¹⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू नीड टू रिमेंबर दिस, या आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी तरह से 2 कूलम्स, 3 कूलम्स, 4 कूलम्स, अप टू 100 कूलम्स और एनीथिंग, किसी भी नंबर ऑफ कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, यह आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस विल गिव यू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेप्ट हो रहे हैं तो वी विल से द बॉडी इज गेटिंग निगेटिवली चार्ज, अगर वह इलेक्ट्रॉन दे रही है तो दैट बॉडी इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज। ओके, जैसा यहाँ पे सिल्क और ग्लास रॉड में हुआ। सो हमने चार्ज को बहुत अच्छे से समझ लिया, हमने यह समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है अल्टीमेटली? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो लेट अस राइट दिस डेफिनेशन। आई विल से इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्जेस में इलेक्ट्रॉन भी आते हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ इसके बाद एक सवाल मन में उठता है, वह सवाल ये उठता है कि अगर मैंने इस ग्लास रॉड को इस सिल्क पर रगड़ा और रगड़ने के बाद इसको जब मैं पेपर क्लिप के पास लेके जा रहा हूं तो पेपर क्लिप तो न्यूट्रल है, पेपर क्लिप को थोड़ी मैंने किसी चीज से रगड़ा है। पेपर क्लिप कैसे बनी? मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको फाड़ दिया और बहुत सारे टुकड़े बना दिए, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, ओके, और उस टुकड़े को रख दिया। अब जब मैंने ग्लास रॉड को इस सिल्क पर रगड़ा तो ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, लेकिन क्या पेपर क्लिप ने किसी प्रकार का चार्ज अटेन किया? हम कहेंगे नो, पेपर क्लिप में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं आया। बट फिर पेपर क्लिप क्यों अट्रैक्ट होने लगी? पेपर क्लिप तो न्यूट्रल है तो वह क्यों अट्रैक्ट होने लगी? तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन होता है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि पेपर क्लिप क्यों इस चीज में अट्रैक्ट होती है। सबसे पहला रीजन तो यह होता है कि पेपर क्लिप का वेट बहुत कम है, पेपर क्लिप बहुत ही हल्की है, इसीलिए अट्रैक्शन क्रिएट होता है। दूसरा जो रीजन है उसे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो एक ये सवाल हमारे दिमाग में घूम रहा है कि पेपर क्लिप क्यों अट्रैक्ट हुई। एक और फिनोमेना देखा गया, फिनोमेना ये देखा गया कि अगर इस ग्लास रॉड की जगह मैं आयरन का रॉड लूं, लोहे का रॉड लूं, उस आयरन के रॉड को जब सिल्क पे या किसी भी सब्सटेंस पे रब करूं और रब करने के बाद पेपर क्लिप के पास लेके जाऊं तो वह आयरन का रॉड इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट द पेपर क्लिप्स। वह आयरन का रॉड पेपर क्लिप को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा लेकिन ये ग्लास का रॉड अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो ऐसा इसमें क्या खासियत है कि यह आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है? ऐसी क्या खासियत है कि आयरन ऐसा नहीं कर पा रहा और यह ऐसा कर पा रहा है? इस फिनोमिना को तो हमने समझ लिया, अब हम यह समझते हैं कि सब्सटेंसेस दैट शो इलेक्ट्रिक बिहेवियर, सब्सटेंसेस दैट शो इलेक्ट्रिक बिहेवियर। अब ये जो बिहेवियर है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना है, इस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? इस बिहेवियर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक बिहेवियर। इफ दिस ग्लास रॉड इज शोइंग द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इट हैज सम इलेक्ट्रिक बिहेवियर इनसाइड इट, उसका कुछ इलेक्ट्रिक बिहेवियर है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट बिहेवियर, हमने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, इवन तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। द फर्स्ट कैटेगरी इज कंडक्टर, दिस कैटेगरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टर। द फर्स्ट कैटेगरी इज कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब
those substances which allow charges to pass through them are called conductors. कंडक्टर्स के बारे में हमने कहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से चार्जेस को पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। नाउ अब इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर से चार्जेस पास होने देते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक मेटल की, एक मेटल की शीट है, एक लेट से आयरन की शीट है। आयरन की शीट कुछ इस तरह से दिखती है। इस शीट में हमें नंबर ऑफ एटम्स दिखाई देंगे। इस शीट में हमें क्या दिखेंगे? इस शीट में हमें आयरन के एटम्स दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। दिस सेंटर पॉइंट इज न्यूक्लियस, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं और ये कंप्लीट एक एटम है। These are what? These are basically the atoms of iron. Now, we know that this atom contains electrons. इस atom में electrons हैं, इसके orbits में। हम अभी सिर्फ last orbit, that is valence shell बना रहे हैं इसका। Valence orbit हम बनाते हैं और उसमें हम electrons को show करते हैं। सो दिस इज अ शीट ऑफ आयरन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, आयरन के एटम्स हैं और उस एटम में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस ग्रीन कलर से शो किया। नाउ हम ये जानते हैं कि आयरन का एटॉमिक नंबर इज वेरी लार्ज, इट्स वेरी वेरी लार्ज। आयरन का जो एटम होता है उसका साइज अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके जैसा हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही छोटा सा है, वैसे ही अगर हम आयरन को देखें सो आयरन इज ह्यूज, आयरन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। अब आयरन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। जितना ही बड़ा होता जाएगा उतना ही लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर उस न्यूक्लियस का ध्यान इतना नहीं होगा, या ऐसा कहें लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से इतने ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। जैसे दूर जाती हैं चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई कजिन है वो दूर चला गया, सो आपका उससे इतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना कि क्लोज वाले कजिन से रहता है। बिकॉज आप क्लोज में जो कजिन है, क्लोज में जो फ्रेंड है उससे आप डेली मिल सकते हैं, ओके बट जो दूर है फ्रेंड आपका उससे आप डेली नहीं मिल सकते, तो इसीलिए एक अट्रैक्शन टूट जाता है। इस बारे में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। So, जो अट्रैक्शन टूट गया, जो अट्रैक्शन खत्म हो गया जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें और न्यूक्लियस में, इस अट्रैक्शन के टूटने से, इस अट्रैक्शन के डिटोरिएट होने से दिस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। उससे क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। फ्री हो जाता है मतलब इसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है, इसके पास ये शक्ति आ जाती है कि ये आराम से इस शेल को छोड़ सकता है, यह इस शेल से बाहर की तरफ जंप कर सकता है, यह इलेक्ट्रॉन भी जंप कर सकता है। इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन्स इस अपने अपने वैलेंस शेल से बाहर की तरफ जंप कर सकते हैं। बिकॉज क्या हो रहा है? बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से कोई खास अट्रैक्शन नहीं बचा, तो फिर वो क्यों अपने ऑर्बिट में रहेंगे? वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बाहर कैसे निकलते हैं? जैसे कि अगर मैं इन दो एटम्स की बात करूं तो रिवॉल्व हो रहे हैं दोनों में इलेक्ट्रॉन्स। अब आयरन इज अ सॉलिड,
इस सॉलिड में क्या है, एटम्स बिल्कुल पास पास है, कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट होने से क्या होता है, इस एटम का दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस एटम का यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से तो दूर चला गया, इसके खुद के न्यूक्लियस से तो दूर चला गया, लेकिन हो सकता है यह इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट में आ गया हो। दिस इज पॉसिबल क्योंकि दोनों के साइज बड़े हैं। हो सकता है ये इसके इतने क्लोज आ गया हो कि दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टू दिस न्यूक्लियस। उससे क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के, अपना शेल छोड़ के बाहर की तरफ जंप कर जाएगा। और इसी तरह से इस आयरन शीट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, थाउजेंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आखिरी शेल्स को छोड़ देते हैं और फ्रीली इस आयरन शीट के अंदर इस तरह से फ्लोट करते रहते हैं, इस तरह से ऐसा फ्लोट करते रहते हैं, रैंडमली कुछ मोशन करते रहते हैं, इधर से उधर मूव होते रहते हैं। ओके, क्या मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव होते रहते हैं। सो वी विल से दिस आयरन कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, यह इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, यह इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री हैं, आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं। और अभी हमने देखा अगर चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आयरन है या ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो अपने अंदर से चार्जेस को पास होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। सो दिस आयरन इज बेसिकली अ कंडक्टर। यह आयरन क्या है, यह एक कंडक्टर है बिकॉज इसके अंदर दिस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। याद रहे यह जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मोशन कर रहे हैं, इनके पास सिर्फ इतनी पावर है कि इस शीट के अंदर ही ये मोशन कर सके, ये इस शीट को तोड़ के इस शीट से बाहर नहीं जंप कर सकते। दे कैन ओनली फ्लोट इन दिस शीट, ये इस पेरिफेरी के अंदर ही फ्लोट कर सकते हैं। ओके, सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। यह इलेक्ट्रॉन्स चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो सकता है। शीट के इस कोने में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इस तरह से ट्रेवल करके इस कोने तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से मूव कर सकता है। हेंस तो कंडक्टर्स क्या हुए, दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम। तो इसके अंदर से ये पास हो गया, इसलिए यह एक कंडक्टर हो गया। सिमिलरली अगर आप एक बीकर लेके इसमें वाटर फिल कर दो, लेट से समथिंग लाइक दिस, आप इसमें वाटर फिल कर दें, इस तरह से हमने इसके अंदर पानी भर दिया, और इस पानी में फिर आप नमक डाल दें, जो कॉमन सॉल्ट आप घर में यूज करते हैं, दैट सॉल्ट इज व्हाट, दैट सॉल्ट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड इसमें थोड़ा सा डाल दें। उससे क्या होगा, जैसे ही आप इस NaCl को इस पानी के अंदर डालोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का एक फिनोमेना होगा। उस इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना की वजह से Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्या होगा, दिस NaCl, दिस सॉल्ट विल गेट आयोनाइज्ड। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, दिस NaCl गेट्स आयोनाइज्ड, और आयोनाइज्ड होने से क्या होगा, Na आयन अलग बन गया, दैट इज सोडियम आयन, और क्लोरीन आयन अलग बन गया, दैट इज नेगेटिव आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन। इसी तरह से बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सोडियम और क्लोराइड आयन इसके अंदर फ्लोट करते हुए आपको दिखाई देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से बहुत सारे क्लोरीन आयन हो गए और बहुत सारे सोडियम आयन हो गए। तो ये आयन्स क्या कर रहे हैं, ये आयन्स आर बेसिकली चार्ज्ड आयन्स, इन पे पॉजिटिव चार्ज भी है और किसी पे नेगेटिव चार्ज भी है। जैसा हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, मैंने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही हो रही हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे
बहुत सारे चार्जेस हमें मिल गए जो कि फ्रीली इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो हम यहां पे जैसा देखा कंजिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल कंजिस्ट ऑफ फ्री चार्जेस। सो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड दिस सॉल्यूशन कंजिस्ट ऑफ फ्री चार्जेस, हेंस दिस विल अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू इट, इसके अंदर से चार्जेस पास हो सकते हैं। यहां पे रखा हुआ चार्ज बड़ी आसानी से यहां जा सकता है, यहां पे रखा हुआ चार्ज बड़ी आसानी से यहां जा सकता है। इट मीन्स इसके अंदर भी चार्जेस का कुछ रैंडम मोशन ही होने वाला है, यहां से वहां चार्जेस ट्रांसफर होते रहेंगे। सो दिस इज अ कंडक्टर। सो कंडक्टर में क्या क्या आ सकते हैं, कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एंड सम ऑफ द नॉन मेटल्स ऑल्सो, कुछ नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट होता है, दीज आर सम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हमने देखा कंडक्टर क्या हुआ, जो चार्ज को पास कर दे, यहां पे मेटल इस तरह से चार्ज को पास करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस तरह से चार्ज को पास करता है। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस मच ओनली, अगर एग्जाम में आता है कंडक्टर के बारे में लिखने का, सो जस्ट राइट दिस डेफिनेशन एंड दीज टू एग्जाम्पल्स, इट इज मोर देन इनफ। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द कंडक्टर, इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस द अदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंडक्टर्स, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स वह होते हैं जिनके पास फ्री चार्जेस हो। फ्री चार्जेस मीन्स ऐसे चार्जेस जो रैंडमली इधर से उधर मोशन कर सके, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। सो इंसुलेटर्स का मतलब होता है दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू देम, विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स इंसुलेटर्स वह सब्सटेंस है विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज ग्लास, ग्लास देन प्लास्टिक देन सिल्क देन फर। हमने जिन चारों चीजों के बारे में अभी डिस्कस किया था, हमने एग्जाम्पल में भी उन्हें ही लिखा, ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर मतलब ग्लास, प्लास्टिक जैसे कि सिल्क या फर या फिर पोरिसलीन। ओके, यह सभी चीजें क्या है, यह सभी इंसुलेटर्स हैं, बिकॉज यह अपने अंदर से चार्ज को पास नहीं होने देती। नाउ फिर आप कहेंगे कि नहीं, ग्लास को तो हमने अभी देखा, सिल्क से रगड़ेंगे तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए, इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का पास हो जाना आर टू डिफरेंट फिनोमिना। अगर एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो जरूरी नहीं कि अगर एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से पास भी हो सके। ओके,
ओके, इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो सकते हैं. जैसे कि वाटर, वाटर कैन पास थ्रू क्लोथ्स, वाटर कपड़ों के अंदर से पास हो जाता है. आप एक क्लोथ में ऐसा वाटर डालें तो वाटर उसमें से छन के निकल जाता है, इस तरह से वाटर पास हो जाता है. लेकिन क्या एक स्टील के कंटेनर से वाटर पास होता है? क्या स्टील के अंदर से वाटर पास हो जाता है? हम कहेंगे नहीं. हम उसमें वाटर जरूर डाल सकते हैं लेकिन उससे क्या होगा, वाटर उसमें से पास नहीं होगा. तो अगर हम एक कंटेनर को और एक क्लोथ को कंपेयर करें तो हमने पानी तो दोनों पे ही डाला, वाटर दोनों पे ही डाला, लेकिन फर्क सिर्फ क्या रहा, क्लोथ में से पानी पास हो गया और उस कंटेनर में से, उस स्टील के कंटेनर में से पानी पास नहीं हो सका. सो इट मीन्स कंटेनर ने क्या करा, कंटेनर ने पानी को स्टोर करके रख लिया. ओके, क्या करा उसने, पानी को स्टोर करके रख लिया. लेकिन क्लोथ क्या करा, क्लोथ पानी को स्टोर नहीं कर पाया, क्लोथ में से पानी सीधा सीधा पास हो गया. बिल्कुल कुछ उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का. सिर्फ डिफरेंस यही है कि वहां पे पानी लिया और यहां पे हमने क्या लिया, चार्ज. सो व्हाट आई कैन से अबाउट द इंसुलेटर्स, वी कैन से इंसुलेटर्स स्टोर चार्ज, कंडक्टर कैन नॉट स्टोर चार्ज. कंडक्टर चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता पर इंसुलेटर चार्ज को स्टोर कर सकता है. ओके, इन दोनों के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है. तो जैसा अगर मैं एक आयरन रॉड पे, दिस इज लेट्स से आयरन रॉड और दिस इज लेट्स से अ ग्लास रॉड, दिस इज अ ग्लास रॉड, दिस इज एन आयरन रॉड. अब मैंने आयरन रॉड को सिल्क पे रब किया तो ऐसा नहीं है कि आयरन रॉड के पास कोई चार्ज नहीं आया. ओके, हमने जब ग्लास रॉड को रब किया था तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रांसफर हो गए थे. तो सेम फेनोमेना जब मैं इस आयरन रॉड को ग्लास सिल्क पे रब करूंगा तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर जरूर होंगे. ओके, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर जरूर होंगे बट फर्क क्या होगा, फर्क यह होगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर, इट कैन नॉट स्टोर द चार्जेस. इसीलिए जो भी चार्ज इसके ऊपर आएगा दैट चार्ज विल फ्लो आउट, वह चार्ज पूरी तरह से फ्लो हो जाएगा. अगर इस ग्लास रॉड की बात करें तो इसको जब मैंने सिल्क से रब किया था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे, इसके ऊपर चार्ज आया था, वह चार्ज फ्लो नहीं हो सकता बिकॉज यह एक इंसुलेटर है, यह चार्ज को फ्लो होने नहीं देता. इसीलिए इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा और इस ग्लास रॉड, इस आयरन रॉड पे चार्ज स्टोर नहीं होगा. तो जब आप आयरन रॉड को रगड़ के पेपर क्लिप के पास ले जाएंगे तो आयरन रॉड पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज आपने इस आयरन रॉड को ऐसा हाथ में पकड़ा और ऐसा रब किया और रब करने पे जब इसके पास चार्ज आया तो वह चार्ज आपकी बॉडी में से ट्रांसफर होके अर्थ में चला गया. क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज रिसाइड नहीं कर सका, इसके ऊपर चार्ज टिक नहीं सका, वह चार्ज फ्लो हो गया. तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज डू नॉट रिसाइड ऑन इट. और ग्लास रॉड के लिए क्या होगा, चार्ज विल रिसाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस सब्सटेंस में चार्ज रिसाइड करेगा, इसीलिए चार्ज क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज हमें दिखेगा और यह अट्रैक्शन क्रिएट करेगा. अब ये आयरन रॉड में से चार्ज फ्लो कैसे हुआ, हमारी बॉडी में कैसे आ गया और बॉडी के थ्रू फ्लो कैसे हो गया, इसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. यह अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बॉडी भी हमारी कंडक्टिंग है. ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टिंग, ओके, इट्स अ कंडक्टिंग सब्सटेंस. नाउ
आयरन रॉड के बारे में हमने कह दिया कि यह कंडक्टर है, इसीलिए चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और इसके ऊपर नहीं बचेगा। ग्लास रॉड के बारे में हमने कह दिया कि यह एक इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, चार्ज जो इस पे आ गया वह इसके ऊपर रिसाइड करता रहेगा। बट फिर पेपर क्लिप में क्या खासियत है, पेपर क्लिप के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसमें चार्ज आ गया? पेपर क्लिप में क्या हुआ कि जब मैंने ग्लास रॉड को चार्ज करके उनके पास लेके गया तो पेपर क्लिप अट्रैक्ट हो गया, पेपर क्लिप तो न्यूट्रल है, फिर उसमें चार्ज कहां से आया? सो वी विल से पेपर क्लिप में चार्ज आया बाय इंडक्शन। किससे आया चार्ज? पेपर क्लिप्स आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन। इंडक्शन हुआ, उसमें चार्ज इंड्यूस हो गया। इंड्यूस किस तरह से हुआ ध्यान से देखिएगा। लेट से मैं कहता हूं कि दिस ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, यह पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और इसको मैं पेपर क्लिप के पास लेके जाता हूं। पेपर क्लिप कुछ इस तरह से एक टुकड़ा है। इस पेपर क्लिप के टुकड़े पे क्या होगा, जब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को पास लेके जाऊंगा तो देखिए हमने क्या सीखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते थे कि लाइक चार्जेस रिपेल होंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। तो जब इस ग्लास रॉड को मैं इसके पास लेके जाऊंगा, आई विल सी कि इस पेपर क्लिप में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, बट इस ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है। जब इस ग्लास रॉड को इस पेपर क्लिप के पास जैसे ही लाएंगे तो इस पेपर क्लिप के इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पेपर क्लिप। तो इसके अंदर जो भी निगेटिव चार्जेस होंगे वह इस तरह से यहां पर रिसाइड करने लगेंगे, और अगर उधर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके यहां आ गए, इस तरफ आ गए, देखिए ट्रांसफर का ये मतलब नहीं कि मूव कर गए, ये जस्ट ऐसा एक दिखेगा, थोड़ा सा फिनोमेना दिखेगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि फिनोमेना क्या होता है। जस्ट हम मान लेते हैं कि इसमें इस तरह से चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, बहुत थोड़ा सा, अपनी पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाएंगे, मतलब टूवर्ड्स द ग्लास रॉड खिसक जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर खिसकेंगे तो जैसा यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता दिखाई देगा, उसी तरह से यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा। बट ध्यान रहे, ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन दिस पेपर क्लिप इज नॉट चार्ज। यह पेपर क्लिप ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना ही निगेटिवली चार्ज है, यह तो क्या है, यह एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, लेकिन इस पे सिर्फ इस तरह से चार्जेस डिवाइड हो गए हैं, थोड़े चार्ज पीछे चले गए, थोड़े चार्ज आगे आ गए, तो ऐसा एक डिवीजन दिख रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज का ग्रुप उधर दिख रहा है और एक नेगेटिव चार्ज का ग्रुप इधर दिख रहा है। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। वी विल नॉट डिस्कस दिस इंडक्शन इन डिटेल बिकॉज दिस इज अ 12th क्लास टॉपिक, बट फॉर टाइम बींग हम मान लेते हैं कि दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यह पेपर क्लिप इस ग्लास रॉड पे अट्रैक्ट हो जाएगी और इस पे चिपक जाएगी। ओके, सो दिस इज द फिनोमेना जो पेपर क्लिप और ग्लास रॉड के या पेपर क्लिप और प्लास्टिक रॉड के बीच में होता है। प्लास्टिक रॉड में क्या होगा, जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज है प्लास्टिक रॉड में, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस उधर खिसक जाएंगे। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ पोल्स। यहां पे हमें एक निगेटिव पोल क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, एंड दिस इज अ पॉजिटिव पोल, इसे हम पोल कहेंगे, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल, बिकॉज ये एक तरह से एक ग्रुप बन गया है, एक ग्रुप उधर बना है एक ग्रुप इधर बना है, क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, और ये जो पोल्स बने हैं इस वजह से इस सब्सटेंस को, इस पेपर क्लिप को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक? आर दोस विच हैव
टू पोल्स इनसाइड देम. नाउ व्हेन वी आर नॉट इन पोजिशन टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज डाइलेक्ट्रिक इन डिटेल बिकॉज दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर फिजिक्स सिलेबस. ओके, वह आप 12th क्लास में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के एक चैप्टर में इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, कैपेसिटेंस में डिस्कस करते हैं, तब हम डाइलेक्ट्रिक को अच्छे से समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैसे होता है. फॉर टाइम बींग जस्ट ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं. ओके, नथिंग एल्स. सो दीज आर द टू डिफरेंट सब्सटेंसेज बेस्ड ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बेसिस पे हमने कहा एक सब्सटेंस होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स. एक थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी और होती है जो कि अगेन हमें डिस्कस नहीं करनी, दैट कैटेगरी इज सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स भी एक कैटेगरी होती है सब्सटेंसेस की. यह सब्सटेंसेस ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर्स होते हैं. एग्जाम्पल फॉर सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन. सिलिकॉन जो आप मोबाइल यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उन सभी डिवाइसेस के पीछे जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज काम कर रही है, वह ये सेमीकंडक्टर है. आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक की जो भी चीजें आप देख सकते हैं वह सभी सेमीकंडक्टर से ही बनाई जाती है. फिर आप सोचेंगे कि इसको अगर इसका इंपॉर्टेंस अगर इतना ज्यादा है तो हमारे सिलेबस में क्यों नहीं है. तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ वेरी हाई कॉन्सेप्ट. यह कॉन्सेप्ट बहुत अपने आप में एक डीप कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट पे पूरी की पूरी इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. तो इन फ्यूचर अगर आप चाहें कि आपको अपना मोबाइल बनाना है या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ले सकते हैं. फॉर दैट आपको 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना पड़ेगा एंड एग्जाम देके फिर आप उसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं. सो फॉर टाइम बींग हम सिर्फ मान लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या है. सेमीकंडक्टर जो ना तो पूरी तरह से कंडक्शन करते हैं ना पूरी तरह से कंडक्शन को रोकते हैं. ओके, इसमें कंडक्शन कैसा होता है, इसमें होता है कंट्रोल्ड कंडक्शन. कंट्रोल्ड कंडक्शन, दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर्स. सो here we have understood the conductor, semiconductor and insulators. So ye to humne classification kiya tha based on the substance. Now we will going to classify the electricity based on the charge, based on the state of charge. So we will study the classification of electricity based on the state of charge. Now, what is meant by the state of charge? Charge के state का क्या मतलब? Charge के state का मतलब है कि charge motion में है कि rest में है. क्या वो मोशन की स्टेट में है, क्या वो रेस्ट की स्टेट में है, इस बारे में, इस फिनोमिना के इस रिलेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इट्स नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक. So electrostatics means the study of charge at rest. So electrostatic में हम ये पढ़ते हैं कि अगर एक चार्ज रुका हुआ है, एक चार्ज स्टेबल है, स्टडी है, ओके, वह रुका हुआ है, वह रेस्ट पे है, तो वह किस तरह की प्रॉपर्टी करता है, किस तरह का बिहेवियर देता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जगह ऐसा खड़ा हो जाऊं
और ऐसा खड़ा होकर कुछ कुछ बिहेवियर करूं, कभी मैं हाथ ऐसा करूं, कभी मैं मेरी आंखें झपकाऊं, कभी मैं कुछ बोलने लग जाऊं, ओके। तो ये जो फिनोमिना है ये कब है, जब मैं रेस्ट पे हूं। तो मैं रेस्ट पे जब होऊंगा तो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ बिहेवियर होगा। उसी तरह से चार्ज भी जब रेस्ट पे होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बिहेवियर होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन 12th क्लास। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। सेकेंड कैटेगरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन मतलब जब चार्ज मोशन में हो उस वक्त वो किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या फिनोमेना उसके साथ हो रहे हैं, दैट स्टडी इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डील विद टोटली विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा पूरी तरह से कंसर्न करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ही रहेगा। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सब्सटेंसेज एंड बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ चार्ज। सो यू कैन नोट दिस।